आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ प्रोफेसर पवन कुमार की। इनका कहानी सुन के तो मुझे मज़ा ही आ गया। क्या इंसान है ये। अभी ये आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर है, 1994 से वहीं पे हैं। शायद मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, कहीं कहीं पे ये शायद कंप्यूटर का ही प्रोफेसर दिखता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैथमेटिक्स के प्रोफेसर ही हैं। इनके बारे में ज़्यादा डेटा तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन जितना मिला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जब आईआईटी का एग्ज़ाम दिए थे तो इनका सेकंड रैंक आया था। इनके पैशन, इनके जज्बे, इनके डिटर्मिनेशन को सलाम। इनका टारगेट था कि मुझे रैंक वन चाहिए और इन्होंने ड्रॉप ले लिया रैंक वन लाने के लिए। अगले साल जी जान लगा के मेहनत किए, खूब मेहनत किए। और पता है आपको अगले साल कितना रैंक आया उनका? अगले साल फिर उनका रैंक टू आया। मुझे लगता है शायद सेकंड ड्रॉप का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उन्होंने सेकंड ड्रॉप नहीं लिया, वरना एक बार फिर वो ड्रॉप ले लेते रैंक वन लाने के लिए। क्या इंसान है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो इस बार रैंक वन ला रहा है ना, उसको बैठा दो अगली बार तो हो सकता है उसका 78 रैंक आ जाए, 104 रैंक आ जाए। रैंक वन आए इसका बहुत कम चांस है। और रैंक टू के बाद फिर से रैंक टू लेना, मतलब ये रैंक वन से बहुत ऊपर की बात है। इस बात को समझो, अपने ड्रीम के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना, इतना पैशनेट होके काम करना। यार जब मैं इनका कहानी सुना मेरा दिमाग हिल गया। जिद हो तो इनके जैसे, जब मैं इनके बारे में सुना मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ ये जान के कि ऐसा इंसान भी हो सकता है क्या। और मैंने सोचा कि इनके बारे में शेयर करना चाहिए आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ आपके पास लाता रहूँगा।